डी यर स्टूडेंट्स नाव वी आर डिस्कसिंग द रैशनल ऑफ टोटल सिस्टम मैनेजमेंट देर इज़ अ कोरलेशन बिटवीन वर्क एन्वायमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का एन्वायरमेंट अगर बेटर होगा तो जॉब की परफॉर्मेंस बेटर होगी और जब जॉब की परफॉर्मेंस बेटर, बेटर होगी तो इसका मतलब है कि इंप्लाइज की परफॉर्मेंस बेटर होगी तो देर इज़ अ कोरेशन अगर एक में आप इंप्रोवमेंट लेके आते हैं तो दूसरे में भी इम्प्रोवमेंट एग्जिस्ट करेगी अगर एक में कमी करेंगे तो दूसरे अस्पेक्ट में भी कमी के चांसिस एक्जस्ट करेंगे इस तरह हम लोगों ने यह देखना है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस एक्सपोनेंशियली इस वक्त दुनिया में आर्गेनाइजेशन कम्पीट कर रही हैं मुख्तलफ आस्पेक्ट के ऊपर इन्वामेंट के हवाले से वर्किंग एनवायरमेंट के हवाले से इम्प्लाइज के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से फैनानशियल रिसोर्स के हवाले से अपने इमेज के हवाले से इन अदरवर्ल्ड टोटल सिस्टम मैनेजमेंट के हवाले से तो ग्लोबल इन्वायरमेंट में कम्पीट करने के लिए हमें इन दो आस्पेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है वो ऑर्गेनाइजेशनल एन्वायरमेंट है और जॉब परफॉर्मेंस है फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जम्पिंग फ्राम हाई स्कूल एथलीट कम्पिटिशन टू द ओलंपिक्स ये एग्जाम्पल का ये मतलब है कि हम लोग एक बच्चे को हाई स्कूल लेवल की ट्रेनिंग देते हैं जब उसको उठा के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करवाना है जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज के एथलीट कम्पीट करेंगे उसकी ट्रेनिंग उसके रिक्वायरमेंट उसकी फिटनेस उसका कंपटीशन लेवल बहुत इन्हांस हो जाएगा इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कराना है तो दिस एग्जाम्पल इज फिट इन दैट सिनेरियो वट एवरी ऑर्गेइजेशन कैन बी मस्ट डू टू प्रोवाइड इम्प्लाईज द सेफ एंड एंडल्दी वर्क एनवॉर्मेंट दैट इज कंसिव टू कंसिस्टेंट पीक परफॉर्मेंस उस वक्त तक कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकती जब तक कि तमाम इंप्लाइज के साथ उसकी गोल्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज वेल शेयर ना हो और यहाँ पे गोल्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि ये वो तमाम गोल जो ट्यूट सिस्टम मैनेजमेंट के हवाले से हों जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के हवाले हों जो वर्क एनवायरनमेंट्स के हवाले से हों इन सब चीजों को लेके हमने ऑर्गेनाइजेशन से आउटपुट लेना है द थ्री ब्रॉड ऑफ एक्टिविटीज आर प्लानिंग एंड प्रेपरेशन वो कौन कौन सी हैं गेन एग्जेक्टिव लेवल कमिटमेंट ये पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आप एग्जेक्टिव लेवल कमिटमेंट नहीं कमिटमेंट क्या है कमिटमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द लॉयलिटीज विच इंडिविजुअल हैज हैजू वर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कमिटमेंट है और टॉप लेवल कमिटमेंट का मतलब है कि वट एवर दे हैव प्लान नाउ दे आर कमिटेड टू एग्जीक्यूट एस्टैब्लिश टोटल सिस्टम मैनेजमेंट स्टेयरिंग कमेटी ये सेकंड फेज है जिसमें हमने स्टीयरिंग कमेटी को एस्टैब्लिश करना है और थर्ड मोल्ड द स्टीरिंग कमेटी इन टू टीम उससे फर्दर सब टीम्स हम लोगों ने बनानी हैं जो सारे सारी टीम्स मिल के जब गोल अचीव करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टोटल सिस्टम मैनेजमेंट की स्टेयरिंग कमेटी है वो अपने गोल अचीव करेगी इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के टोटल सिस्टम मैनेजमेंट के गोल अचीव होंगे गिव द स्टेयरिंग कमेटी सेफ्टी एंड हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग डिवेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी हेल्थ विजन्स रिगार्डिंग सेफ्टी प्रिंसिपल डिवेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव मिशन अगर आप डिवेल्प भी कर लें जब तक उसको फर्दर गोल्स में ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेटजीज में टैक्टिक्स में डिवेल्प नहीं करेंगे या उनको आप लोग ब्रेक डाउन नहीं करेंगे उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन मिशन अचीव नहीं होगा और लास्ट कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म ये गोल्स सिर्फ पेपर वर्क पे नहीं होने चाहिए बल्कि तमाम इंप्लाइज को टॉप टू बॉटम के अंदर कम्युनिकेट होने चाहिए ताकि उन गोल्स के प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव हो सकें आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट टोटल सिस्टम मैनेजमेंट मॉडल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मालूम है

उसको बेंच मार्क रखें उसके मुताबिक वर्किंग एन्वायरमेंट डिवेल्प करें और देन टेलर टू इंप्लीमेंटेशइजेशन फिर उसको चेंज करके मॉडिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्जीक्यूट करें आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इम्प्रोवमेंट्स प्रोजेक्ट्स आर्गनाइजेशन में जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके एग्जाम्पल सेट करके उनको टॉप लेवल पर इम्प्लीमेंट करें एग्जीक्यूशन फिर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें वो पेपर वर्क का जो हिस्सा है उनको एग्जीक्यूट करें इम्प्लीमेंट करें अस्टैब्लिश ट्रेन एंड एक्टिवेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट टीम जो हमारी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट टीम है उसके ऊपर तीन काम करने की ज़रूरत है नंबर वन उनको अस्टैब्लिश करें नंबर टू उनको ट्रेन करें नंबर थ्री फिर उनको मोटिवेट करके एक्टिव करें जब तक आपके टीम मेम्बर एक्टिव नहीं होंगे उस वक्त तक आप अपने डिजायर गोल अचीव नहीं कर सकते एक्टिवेट द फीडबैक लूप जो फीडबैक है जिसमें टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल है बॉटम टू टॉप लेवल है चाहे कोई भी हालात की एग्जिस्ट कर रही है फीडबैक सिस्टम अस्ट विदेअर सो यू कैन इम्प्रूव कंटिन्यूस बेसिस ऑफ योर प्रोसेस और लास्ट अस्टैब्लिश अ टोटल सिस्टम मैनेजमेंट कल्चर जब तक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सिस्टम मैनेजमेंट कल्चर डेवलप नहीं होगा उस वक्त तक आप कभी भी डिजायर गोल अचीव नहीं कर सकते